जादू बायन के घरन मामा जादू बा कि राजा खेलै शिकार गए जंगल माझार वहाँ भई तकरार चलन लगी तलावार चढ़ा धनुहा पैबान जोत भवा घमासान सतकई दूरी आ गई टूट उनके हिम्मत गई छूट भरत लाल के अम्मा कहाँ भरत लाल के जे अम्मा कहाँ अंगूरी पैरथ के चक्का चलावें अंगूरी पैरथ के चक्का चलावें कहाँ पीछे समरे मैदनवा माँ जादूबा। चलो गांव की ओर। आज मैं हूँ अयोध्या जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर। यहाँ पर एक गांव पड़ता है परसावा मोहला। मेरा ननिहाल है मूलता, ये हरिपुर का पुरवा, पंडित का पुरवा बोला जाता है। यहाँ पर हमारे भैया एक बगल बैठे हैं, ये भाई हैं मेरे लगते हैं, और यहीं बगल में बहुत अच्छा पहले गाते थे। आज भी पुरानी प्रतिभाएं ऐसी हैं कि अगर सही प्लेटफार्म उनको मिला होता, सही जगह उनको मिली होती, तो आज मुकाम पर होते। लेकिन गाँव और गरीबी, ये दो चीज़ आदमी को खा जाती है, उसी के शायद आप शिकार हुए। उस समय गाने बजाने में लोगों का मतलब अच्छे परिवारों में बड़ा विरोध होता था। हमारे साथ हैं, सबसे पहले नाम अपना बताएं भैया, नाम बताइए अपना। श्री योगेश कुमार दुबे। अरे शुद्ध हिंदी ना, देहाती बोला है अम्मा। अच्छा ही बताओ तुम्हार नाम, जोगी नाम काहे पड़ा? जोगी नाम पकड़ा पकड़ी हाँ। जोगी नाम इसलिए पड़ा कि हम चलते रहे, ये बाहर भ्रमण करते रहे, भजन कीर्तन करते रहे, इसी से लोग हमारा नाम जोगी जोगी रख दिए। अच्छा बचपने से नाम जोगी हुई? हाँ, ये जोगेश दुबे जी हैं, इनका नाम जोगी है, और बहुत अच्छा बचपन से मैं इनको सुनता आ रहा हूँ। लेकिन आज सब बच्चे सब बाहर निकल गए, पहले बहुत संघर्ष किए लेकिन वो मुकाम नहीं मिला इनको। और भैया का सुना बजाता बताओ, गजल सुना दी पहले? हाँ पहले गजल सुना दे। हाँ गजल का शौक किया ना, पहले गजल सुनाओ। हाँ। समय पर काम जो आए उसी को मीत कहते हैं, लगाकर प्रीत ना छोड़े उसी को प्रीत कहते हैं। जहाँ दो दिलों की मुलाकात होगी, जहाँ दो दिलों की मुलाकात होगी, जहाँ दो दिलों की मुलाकात होगी, जुबा चुप रहेगी मगर बात होगी, जुबा चुप रहेगी मगर बात होगी। नरों के रुकेंगे ये आँखों के आंसू, घटा जब गिरी है तो बरसात होगी, घटा जब गिरी है तो बरसात होगी। जहाँ दो दिलों की मुलाकात होगी, जरा मुड़ के देखो ओ जाने वाले, जरा मुड़ के देखो ओ जाने वाले, खुदा जाने फिर कब मुलाकात होगी, खुदा जाने फिर कब मुलाकात होगी। अच्छा ये बताओ, कुछ आपके साथ पहले बजाने बजाने वाले भी लोग रहते थे? हाँ रहते थे, अभी भी हैं। हाँ। तो मौका से बुला ले जाते? हाँ बिल्कुल बुला लेते हैं। ए जरा मुड़ के देखो ओ जाने वाले, प्रभु जाने फिर कब मुलाकात होगी, जहाँ दो दिलों की मुलाकात होगी। मैयत के पीछे ओ भी चलेंगे, इस जनाजे के पीछे ओ भी चलेंगे, बड़ी धूम से मेरी बारात होगी, बड़ी धूम से मेरी बारात होगी। जहाँ दो दिलों की
मुलाकात होगी, जहाँ यूँ तहाँ होगी दुनिया के गम की, जहाँ यूँ तहाँ होगी दुनिया के गम की, वहीं मेरे गम की भी शुरुआत होगी। जहाँ दो दिलों की मुलाकात होगी, यह जुबा चुप रहेगी मगर बात हो। पारंपरिक गीत आजकल विलुप्त हो चुके हैं, पाश्चात्य संस्कृति हावी हो चुकी है, अब तो वेस्टर्न कल्चर चल रहा है शहरों में, फिल्मी गानों की धूम है, अश्लीलता की धूम है, लेकिन ये पारंपरिक लोग हैं, ये लोग कभी मिटने वाले लोग नहीं हैं, ये विलुप्त हो चुके हैं आज के समय में। और पहले गांव में शादियां होती थी, 3 दिन की बारात होती थी, शिष्टाचार होता था, गारी गाई जाती थी, सोहर गारी जाई थी, भैया की गारी गा दो, गारी गा दो, सुना रहे हैं। ये उस समय की बात है, जनकपुर में श्री रामचंद्र ने धनुष को तोड़ दिया। हाँ, ये लड़के खड़ा हो जाओ। हाँ, धनुष को तोड़ दिया तो वहाँ की कुछ सखिया आश्चर्य में पड़ गई, तो एक 80 वर्ष की बुढ़िया थी, वो समझ गई, वो जान गई कि इनके यहाँ चमत्कार अयोध्या में क्या है, कि जादू बायन के घरनवा मा जादू बा, ये कहरवा ताल बज जाएगी, बायन के घरनवा मा जादू बा, जादू बायन के घरनवा मा जादू बा। पहला जादू क्या है कि राजा खेलै शिकार, गए जंगल माझार, वहाँ भई तकरार, चलन लगे तलवार, चढ़ा धनुहा पैबान, जोतर भवा घमासान, सतकई दूरी आ गई टूट, उनकई हिम्मत गई छूट, भरत लाल के अम्मा कहाँ, भरत लाल के जे अम्मा कहाँ, अंगूरी पर रथ के चक्का चलावें, अंगूरी पर रथ के चक्का चलावें, कहाँ पीछे समरे मैदनवा मा जादूबा, हे बीच समरे मैदनवा मा जादूबा, जादू बायन के घरनवा मा जादूबा। बोर हो गई भुआल भये अकौना लाल, हे बोर हो गई भुआल भये अकौना लाल, उर्मा हो गए मालाल, सुना रानन के हाल, मर्दे के काम पुनैमा चलावें, मर्दे के काम पुनैमा चलावें, खीर खाए खाए सब बच्चा बनावें, खीर खाए खाए सब बच्चा बनाए, जाहिर बा सारे जहनवा मा जादूबा, जाहिर बा सारे जहनवा मा जादूबा। तीसर जादू क्या है, फुलवरिया मा जाय दे जादू चलाए, फूल वरिया में जाय दिन जादू चलाए, कुछ गाई घबराए, कुछ गाई पगलाए, कुछ गाई घबराए, कुछ गाई पगलाए, तिरछे नजरिया से जिए कानी हारे, तन मन वो के बेकल कई डारे, तन मन वो कई बेकल कई डारे, वही कजरा रे नयनवा मा जादूबा, भला वही कजरा रे नयनवा मा जादूबा, जादूबा इनके घरनवा मा जादूबा। हमारे राजा जनक नंबर 4, इनमें कला क्या है, गुण क्या है, कि हमारे राजा जनक का गए बउराए, जवन सीता के हाथ या नहीं दे पकड़ाए, राजा जनक का गए बउराए, जवन सीता के हाथ या नहीं दे पकड़ाए, राहे चलत ऐसे कौतुक देखावें, राह चलत ऐसे कौतुक देखावें, काकर पाथर के नारी बनावें,
काकड़ियों पाथर के नारी बनावे जैसे छुआवे चरनवा माँ जादूबा हे जैसे छुआवे चरनवा माँ जादूबा जादूबा इनके गरनवा माँ जादूबा। आखिरी भाव है जोगेश जी का जूठे बड़े बड़े भूप लै लै सुंदर स्वरूप जूठे बड़े बड़े भूप लै लै सुंदर स्वरूप बड़े बड़े बलवान दस कंधर सामान चूर हो गए अभिमान चूर हो गए अभिमान पुष्प सामान पिना का उठावे पुष्प सामान पिना का उठावे बृगपति के संदेह मिटावे बृगपति के संदेह मिटावे भला निरख देवा ऐसा मनवा माँ जादूबा हे निरख देवा ऐसा मनवा माँ जादूबा जादूबा इनके घरनवा माँ जादूबा। ये देखिए संस्कार गांव है, आज भी पारंपरिक गारी इसको कहते हैं, कहीं से अश्लीलता आप नहीं पाएंगे, कहीं से गंदगी नहीं पाएंगे, इसको गारी कहते हैं। लेकिन आजकल भोजपुरी समाज इतना गंदा हो चुका है कि खाली अश्लीलता को ही संगीत, अश्लीलता में ही संगीत पिरोया जा रहा है। ये योगेश भैया हैं और ये पुराने पहले ये 3 दिन की जब बारात होती थी तो एक सट्टा बांधा जाता था इन लोगों का। ये लोग जाते थे बारात में, शादी में, विवाह में, मांगलिक कार्य में जाते थे, ये लोग अपनी कला दिखाते थे।